हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टीना हेयर। और आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपकी लाइफस्टाइल कैसा रहने वाला है शादी के बाद। मतलब आपका जो एक लाइफस्टाइल होता है ना, डेली रूटीन होता है, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है, उसमें क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं शादी के बाद, उसके ऊपर बात करेंगे हम। यहाँ पर तीन पायल्स हैं, ये पायल नंबर 1 9 ऑफ कप्स, ये है पायल नंबर 2 6 ऑफ पेंटिकल्स, एंड ये है पायल नंबर 3 द मैजिशियन। तीनों में से जो भी पायल आपको अट्रैक्ट करती है आप उसे चूज कर सकते हैं। और आज की जो एफर्मेशन है वो लिखना बस गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू मी एंड ऑल, एंड बस यही मैं चाहती हूँ कि सब कुछ अच्छा हो और सब खुश रहें, एंड जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके लाइफ में जल्दी से ढेर सारी खुशियाँ आ जाएं। यहाँ पर तीन पायल में से आपने अगर एक चूज़ कर लिया तो चलिए हम उसके साथ बढ़ते हैं। उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि चैनल पे ऑफर चल रहा है, उसके तहत ये है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और मुझे इंस्टा पे फॉलो करते हैं तो आप एक टैरो सेशन में 5 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और उसके लिए आपको बुक करने के लिए मुझे या तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए या फिर मेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, एंड चलिए अब स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट पायल 9 ऑफ कप्स के साथ। तो जिन्होंने कार्ड चूज किया था 9 ऑफ कप का, उनके लिए देख लेते हैं कि लाइफ स्टाइल उनका कैसे रहने वाला है शादी के बाद। अगर शादी के बाद आपकी लाइफ स्टाइल की बात करें तो पहले भी अगर आप जॉब करते हैं शादी से पहले भी तो शादी के बाद भी करोगे, और लग्जरी आपकी लाइफ में ज़रूर रहेगी। आप इंडिपेंडेंटली काफ़ी अच्छी जॉब करते रहोगे अपनी थ्रू आउट लाइफ में। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस करोगे, जॉब कर रहे हो तो जॉब करोगे, मतलब आपके पास आपकी खुद की कमाई होगी और आप इंडिपेंडेंट तो ज़रूर रहोगे। शादी के बाद आपको फाइनेंशियल गेन होगा ही होगा, मतलब आप जिस फैमिली में जाएंगे वो एक रिच और अबंडेंट फैमिली होगी। पहले के कंपैरेटिवली आपके पास ज़्यादा पैसे होंगे शादी के बाद। शादी के बाद बात करें तो आप ट्रैवल करोगे, मैरिटल ब्लिस आपकी लाइफ में है। कहने का मतलब ये है कि जो भी आपके हस्बैंड या वाइफ होंगे, जो भी आपके स्पाउस होंगे, उनके साथ आपकी अच्छी बॉन्डिंग होगी, अंडरस्टैंडिंग होगी, तो आपकी लाइफ में इमोशनल वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर हम यहाँ पे बात करें फाइनेंसेस की, तो जैसे वो तो ग्रो करेंगे ही, लेकिन साथ में इमोशनल वैल्यू भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। जैसे हमारे पास 9 ऑफ कप्स का कार्ड है जो कि बहुत अच्छा एक विश कम ट्रू का कार्ड होता है, लेकिन उसके साथ 10 ऑफ कप्स का भी आ गया है। तो थोड़ी बहुत भी अगर आपकी लाइफ में कोई कमी है ना तो आपको महसूस नहीं होगी, आपके पार्टनर उतने ज़्यादा अमेजिंग होंगे और बहुत ही अच्छे रहेंगे। यहाँ पर फिर भी 4 ऑफ कप्स ये कहता है कि आप फिर भी उन चीज़ों पर ध्यान दोगे जो आपके पास नहीं है, जबकि आपके पास सब कुछ होगा। तो उसके लिए आपको थोड़ी स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, ओवरकम करने की ज़रूरत है। आपका एटीट्यूड इसी तरीके का होता है कि आपके पास जो नहीं होता ना आपका वहीं ध्यान रहता है, जो होता है आप उसको फिर भी नज़रअंदाज कर देते हो। आपके साथ यही रहता है, जैसे जैसे चीज़ आपको मिलती है आप खुश होते हो, फिर उसके बाद आप बोर हो जाते हो उनसे, आपको लगता है चलो ये तो मिल गया अब मुझे कुछ और चाहिए, और फिर जो चीज़ आपके पास नहीं होती ना आप वहीं ध्यान देते रहते हो, वहीं फोकस करते रहते हो, जिसकी वजह से कई बार आपको फुलफिलमेंट महसूस नहीं होती, आपको ऐसा लगता है ज़िंदगी में कुछ कमी है जो पूरी नहीं हो पा रही। उसके बाद यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है आफ्टर मैरिज जो आपका लाइफ स्टाइल है वो, पहली बात तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपका इंक्रीज ही होगा। मुझे कुछ हद तक ये लगता है कि आप न्यूक्लियर फैमिली में रहेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा फ्रीडम और इंडिपेंडेंट महसूस होगा शादी के बाद भी। आपके जो हस्बैंड होंगे या वाइफ होंगे वो बहुत ही इजी गोइंग होंगे, फ्लेक्सिबल होंगे, तो इनके साथ आपको तालमेल बिठाने में इतनी मुश्किलें नहीं आएंगी, तो इसके लिए आपके लिए वो इजी होगा। पर एक चीज़ है, आपका टेम्पर बहुत ज़्यादा हाई रहता है, आपको गुस्सा शायद ज़्यादा आता है, जिसकी वजह से कुछ इश्यूज हो सकते हैं, पर वो एक अलग मैटर है। अगर आपके लाइफ स्टाइल की बात करें तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, इमोशनली फिजिकली मेंटली आप ज़्यादा ग्रो करोगे, फाइनेंशियली आप ग्रो करोगे, आपकी लाइफ पहले से ज़्यादा बेटर हो जाएगी। अगर आपकी लाइफ अभी भी बेटर ही है जो कि दिखता है कि है, तो इससे भी ज़्यादा ही बेटर होगी, इससे और ज़्यादा स्टैंडर्ड बढ़ेगा ही बढ़ेगा आपकी लाइफ का शादी के बाद। एंड दिस इज प्रेटी मच योर रीडिंग कि आपका लाइफ स्टाइल कैसा रहने वाला है शादी के बाद। लग्जरी में तो आप ज़रूर रहोगे, घूमोगे फिरोगे ऐश करोगे, अपने ऊपर तो पूरा पैसा खर्च करने वाले हो, और आपके हस्बैंड भी आपको पैम्पर करेंगे विच इज़ ग्रेट। अगर आपकी वाइफ है तो वो भी आपको पैम्पर करेगी, मतलब अगर आप लड़के हैं और देख रहे हैं वीडियो तो आपकी वाइफ भी आपको डेफिनेटली पैम्पर करेंगी, वो आपके ऊपर गिफ्ट्स की शार करेंगी, यू नो पैसा खर्च करना एंड ऑल दैट। नॉर्मली लड़कियां ये चीज़ें नहीं करती, लेकिन आजकल की लड़कियां करती हैं, एंड आपकी वाइफ भी उनमें से एक होंगी जो करेंगी आपके लिए। और अगर आप लड़कियां और ये पायल देख रहे हैं तो हो सकता है आपकी भी इस तरह की ख्वाहिशें हों ऐसा करने के लिए।
गुड लक फॉर दैट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. एफर्मेशन जरूर लिखना, गॉड ब्लेस यू एंड माई लाइफ इज अबंडेंट. और उसके अलावा ऑफर चल रहा है चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो. तो एक टैरो सेशन में आप 5 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसके लिए पर्सनल रीडिंग अगर आपको बुक करनी है तो आप कर सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू, बाय बाय. सो हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड चूज़ किया था, बात करें कि आपकी लाइफ आफ्टर मैरिज कैसी होगी. तो पहली बात तो बहुत ज़्यादा कार्ड आए हैं, तो लाइफ स्टाइल आपका कैसा रहेगा शादी के बाद, उसके बारे में बात कर लेते हैं. एक चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि आपकी शादी होगी वो एक जॉइंट फैमिली में हो सकती है, या फिर एक्सटेंडेड फैमिली होती होगी, या रिश्तेदारों को बहुत आना जाना होगा, जिसकी वजह से आपको रिस्ट्रिक्शंस बहुत फील होंगी. हो सकता है कि आपके जो पार्टनर है वो ही बहुत रिस्ट्रिक्टिव नेचर के हों, तो एक आपको रिस्ट्रिक्शंस तो फील होंगी. अब ये तो आपको पता है कि आपकी अभी वाली लाइफ में रिस्ट्रिक्शंस हैं या नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंगली मैं ये कह सकती हूँ कि बाद में तो आपको रिस्ट्रिक्शंस फील होंगी ही होंगी. एक चीज़ मैं और कहूँगी कि आप ना स्पिरिचुअल हो जाएंगे शादी के बाद, ज़्यादा ज़्यादा भगवान में बिलीव करेंगे, धर्म कर्म के काम ज़्यादा करेंगे. एक चीज़ आपको ज़रूर करनी चाहिए कि आपको चैरिटी करनी चाहिए, अभी भी करें, शादी के बाद भी करें, बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए. इवन छोटे बच्चों को खाना वाना खिलाइए, या आप कोई NGO ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे आप छोटे बच्चों की देखभाल करें, या फिर छोटे बच्चों को खाना खिला दें, उनके बुक्स वगैरह उनको दे सकें, या स्पॉन्सर कर सकें उनके एजुकेशन. इस तरह की चीज़ें भी आपके लिए बहुत ही सेल्फ डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छी रहेगी, आपकी मेंटल स्टेबिलिटी के लिए बहुत अच्छी रहेगी. वो आपको बहुत ज़्यादा फुलफिलमेंट देगी इस तरह का काम अगर आप करते हो छोटे बच्चों के लिए. उसके अलावा जो आपके पर्सन ना, वो काफ़ी हद तक उनकी सोच और नेचर आपके जैसा ही होगा. अगर आपकी शादी नहीं है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किस तरह के पर्सन होंगे. एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे शादी के लिए, एंड बहुत मतलब सोच समझने के बाद, देखने परखने के बाद आप किसी से शादी करोगे. आपको थोड़ा एटीट्यूड इसी तरीके का है कि पता नहीं कैसा पर्सन मिल जाए, लेकिन आपको एक अच्छा पर्सन मिलेगा, आपको बिल्कुल इक्वल मिलेगा, जैसा आप चाहते हो वैसा पर्सन मिलेगा, और वो पर्सन के साथ आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी होगी, अच्छी बॉन्डिंग भी होगी, काइंड ऑफ फ्रेंड्स होंगे आप, बेस्ट फ्रेंड्स के जैसा रिलेशनशिप होगा. लेकिन जो रिश्तेदार और सबके वजह से ना आपकी लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस और रिस्ट्रिक्शंस ज़रूर आएंगे. एक चीज़ और है कि आप शादी के बाद थोड़ा ज़्यादा, जैसे मैंने कहा कि आप स्पिरिचुअल हो जाओगे, उसी तरह से शादी के बाद ना आपके जो गुस्सा भी है ना, वो भी बहुत शांत हो जाएगा शादी के बाद. अगर आपके अंदर गुस्सा है तो आप बहुत ज़्यादा शांत रहोगे, बहुत ज़्यादा मतलब पेशेंस आप में बढ़ जाएंगे शादी के बाद. वो वैसे ज़रूरी भी है लेकिन बढ़ ही जाएंगे, और ये एक अच्छी बात है. ओके, बात करें और लाइफस्टाइल के बारे में, तो फाइनेंशियली अगर बात करें तो फाइनेंसेस अच्छे होंगे शादी के बाद. हाँ, लेकिन आपको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस होंगी खर्च करने में. हो सकता है कि आप जो भी अर्न करें वो आपके इन लॉज वगैरह रखें और फिर वो आपको दें खुद से, ये चीज़ें हो सकती हैं. ये भी हो सकता है कि आप अपने हस्बैंड को दें या अपनी वाइफ को दे दें और फिर वो आपको खर्चा पानी दे, तो काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शंस. आई एम जस्ट यू नो एक्सप्लेनिंग, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली किस तरह का रिस्ट्रिक्शन होने वाला है. मतलब फाइनेंशियली रिस्ट्रिक्शन होगा, लेकिन फिर भी मतलब आप और आप ये फील भी ज़्यादा करेंगे, आपको ये चीज़ें फील होंगी कि आप रिस्ट्रिक्शंस में हो. जैसे कुछ लोग होते हैं ना, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन उनको ऐसा फील वील कुछ नहीं होता कि उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस है, वो बड़े मज़े में रहते हैं. नहीं नहीं हमारी तो लाइफ बड़ी सही जा रही है, उनको ना मतलब शायद तो पता नहीं होता, या पता नहीं वो दिखावा करते हैं दूसरों के आगे. आपको ही कॉन्स्टेंटली फील भी होगा कि आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस है, आपकी लाइफ में पहले ज़्यादा फ्रीडम थी अभी नहीं है, अभी आपके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारियाँ डाली जा रही हैं, आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस डाली जा रही हैं. बट इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड इट्स पार्ट ऑफ मैरिज, सो आप कंटिन्यू ज़रूर करेंगे. ऐसा नहीं है इसकी वजह से कलेश होंगे, लड़ाई झगड़े होंगे, कभी कभी होंगे नो डाउट, लेकिन वैसे ठीक रहेंगे. मतलब ओवरऑल आपकी मैरिज अच्छी है, लेकिन इतनी लंबी लाइफ होती है मैरिज के बाद की, और अपने यहाँ तो बहुत ही लंबी होती है यार. 20 के बाद ही शादी कराना शुरू कर देते हैं लोग, पता नहीं क्यों. लोग तो कह क्या ही कराते हैं, पेरेंट्स ही कराते हैं, पर स्टिल पता नहीं क्यों. मेरे को तो लगता है थोड़े से देर से मैरिज करनी चाहिए, ताकि एक अच्छा परिवार मिले चाहे ना मिले, आप में सहन शक्ति तो कम से कम सहन करने की कि जैसा भी मिले, तो वो बहुत ज़रूरी है. मुझे लगता है मैच्योर होना ज़रूरी है शादी के लिए, और शादी के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी एक जॉब हो, आप इंडिपेंडेंट हो, आपकी एक सोच हो, और उसको सोच को सामने रखने की क्षमता हो, ये बहुत ज़रूरी है. सो दिस इज़
मच यहाँ पर बात करें वैसे आपके लाइफस्टाइल की, तो वैसे तो देखो आप जिस भी घर में जाओगे वो फाइनेंशियली ज़्यादा बेटर ही होगा या फिर इक्वल ही होगा जैसे कि अभी हो आप, लेकिन फिर भी आपको ऐसे रिस्ट्रिक्शंस फील होंगी आपके ना, जैसे जो भी आपकी माइक का बोलते हैं ना जिसको, उसमें आपको लगेगा ज़्यादा आज़ादी थी इन जनरल भी। ऐसा नहीं है कि ऑब्वियसली बेटियों को मायके में ज़्यादा आज़ादी होती ही है, ससुराल में कम होती है, लेकिन इन जनरल भी आपके घरों में बहुओं को ज़्यादा आज़ादी है जबकि आप जिस घर में जा रहे हो उसमें कम है थोड़ी सी, और ये चीज़ आपको फील होगी कॉन्स्टेंटली। बट मुझे ऐसा लगता है ये चीज़ें धीरे धीरे चेंज हो सकती हैं अगर आप चेंज करना चाहें तो, और आप स्टेप लेके उन्हें चेंज कर भी सकते हैं इफ़ यू रियली वॉन्ट टू चेंज दोज काइंड ऑफ थिंग्स। एनी वेज सो ये प्रटी मच है आपकी रीडिंग कि आपका लाइफ स्टाइल कैसा रहेगा शादी के बाद। अगर बात करें घूमने फिरने की, ट्रैवलिंग की, तो ठीक है बहुत ऐसे ज़्यादा भी नहीं लग रही, बहुत कम भी नहीं लग रही, मतलब ठीक है बोल बोल के कि हाँ चलो कहीं चलो, तो शायद चले जाएंगे कभी घूमने घुमाने, मतलब बातें होती रहेंगी प्लान्स बनते रहेंगे लेकिन जाना बहुत कम होगा। तो आपको थोड़ा सा ना बंधन और रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा महसूस होने वाली है अपनी शादी में, हालांकि आपकी शादी एक परफेक्ट मैरिज है दुनिया की नज़र से देखे तो, लेकिन आपकी कुछ ख्वाहिशें अधूरी हैं जो कि आप पूरा करना चाहते हो, जिसके लिए आपको रिस्ट्रिक्शन फील होंगी कि यार नहीं पूरी करने दे रहे यार, ये लोग ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रहे हैं मेरे पे, ऐसी ऐसी चीज़ें आपके दिमाग में आती रहेंगी। पर इसका सोल्यूशन आप ही के पास है, अपना माइंड स्टेबल करो, अपने वर्ड्स सामने रखो, अगर आपको फील होता है कुछ तो बोलो, उसको शेयर करो, गुस्से में शेयर नहीं करो प्यार से शेयर करो, एंड देन चीज़ें आपके लिए होंगी, अच्छे से होंगी, बिल्कुल होंगी। सो दिस इज प्रीटी मच योर रीडिंग नाउ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। उसके अलावा टैरो सेशन अगर आप एक बुक करते हो तो आप 5 क्वेश्चन पूछ सकते हो, उसके लिए बस आपको यही करना है कि सब्सक्राइब करना है चैनल को, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके मैसेज कर देना है एंड अपनी रीडिंग बुक कर लीजिए, आप मेल भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड एफर्मेशन एक ज़रूर लिख देना कमेंट सेक्शन में, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड मुझे भी ब्लेसिंग्स देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, एंड प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो, और मुझे अपना फीडबैक भी दें कि आपको वीडियो में क्या अच्छा लगता है और क्या अच्छा नहीं लगता है, या कौन से नए टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं वो सब भी बताइए, एंड इंस्टाग्राम पे जुड़िए मेरे साथ ताकि वन ऑन वन बात हो सके, आप मुझे मैसेज करके फीडबैक दे सके, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। हेलो पायल नंबर 3 जिन्होंने द मैजिशियन का कार्ड चूज किया था, अगर बात करें आपके लाइफ स्टाइल आफ्टर मैरिज की, एक चीज़ मुझे लगता है कि आपकी शादी आपके नॉन पर्सन से होगी, हो सकता है आप उन्हें पहले से जानते हो या फिर आपकी लव मैरिज हो, लव मैरिज के भी बहुत ज़्यादा चांसेस दिखते हैं। आपकी शादी के बाद की लाइफ है ना, जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत ही अच्छा रहेगा, फाइनेंशियली बेटर हो जाएंगे, प्यार बहुत ज़्यादा मिलेगा आपको अपने पार्टनर से, बहुत ज़्यादा प्यार मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग और केयरिंग पार्टनर होंगे आपके। एक चीज़ तो है आप बड़े कंफ्यूज रहते हो और जल्दी घबरा जाते हो, लेकिन आपके पार्टनर आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। शादी के बाद आपकी ट्रैवलिंग बहुत होगी, हो सकता है आप अपनी कंट्री या स्टेट चेंज करो, मतलब जिस भी स्टेट में रहते हो दूसरी स्टेट में चले जाओगे, कंट्री में जा सकते हो, ट्रैवलिंग वगैरह करते रहो, ये चीज़ बहुत होगी आपके साथ। और अगर हम बात करें शादी के बाद जो आपका लाइफ स्टाइल में चेंजेस आएंगे, आपकी तो लाइफ ना बड़ी स्मूथ सी जाने वाली है शादी के बाद, कुछ हद तक तो इसका रीज़न ये हो सकता है कि आप उस पर्सन को पहले से जानते हो, लव मैरिज हो, ये रीज़न भी हो सकता है। प्लस मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ पर भी आपकी शादी हो रही है बहुत ही ओपन माइंडेड किस्म के लोग होंगे, बहुत ही जैसे वो इसी चीज़ पे बिलीव करेंगे कि कुछ जी और जीने दो, खुश रहो, मुस्कुराओ, भाई नाचो गाओ, ऐश करो टाइप वाला नेचर सा होगा आपके इन लॉज का, आपके हस्बैंड का या आपकी वाइफ का, तो बड़ा सही सा होगा आपके लिए, पूरा जो भी आपकी लाइफ स्टाइल है ना बहुत बेटर हो जाएगी, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। दुख तो आप भूल ही जाओगे होता क्या है, बस हिम्मत रखनी है, क्योंकि शादी के बाद हिम्मत रखने की तो बहुत ज़रूरत होती है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो हिम्मत तो देखो रखनी पड़ती है, खास करके लड़कियों को, क्योंकि वो अपना घर छोड़ के जा रही होती है, एक नई फैमिली को एक्सेप्ट कर रही होती है। बाकी आप जो जैसा मैनिफेस्ट करोगे ना आपको वैसा ही पर्सन मिलेगा, वैसा ही लाइफ स्टाइल मिलेगा, वैसी ही आपकी लाइफ होगी एंड बहुत ही खूबसूरत लाइफ होगी आपकी शादी के बाद। आपके पार्टनर तो बहुत ही अच्छे होंगे, देखने में भी बहुत हैंडसम और बहुत ही ब्यूटीफुल, और वैसे भी बहुत ही दिल के करीब आपके, बहुत ही प्यार करते होगे, बहुत ज़्यादा प्यार करोगे आप उनसे,
वो भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे। ये चीज़ बहुत अच्छी है टच वुड, एंड काफ़ी अच्छे पार्टनर मिल रहे हैं आपको। इसकी वजह से आपकी लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी मैरिज के बाद, क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, हमेशा आपकी केयर करेंगे। चाहे मतलब लड़की हो या लड़का, जो भी ये पाइल देख रहे हैं, आपके जो भी पार्टनर होंगे रिस्पेक्टिव, बहुत आपका ध्यान रखेंगे, बहुत ही आपको प्यार करेंगे, बहुत ही ख्याल रखेंगे आपका। मतलब आपको तो ड्रास्टिक चेंज आएगा आपकी लाइफस्टाइल में शादी के बाद। ट्रैवलिंग बेटर होगी, घूमना फिरना, फाइनेंसेस, इमोशनली फुलफिलमेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाएगी आपकी शादी के बाद लाइफ। मतलब आप कह सकते हैं कि हाँ, मच बेटर, बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है शादी के बाद। सो गुड लक फॉर दैट। एंड एक ऑफर चल रहा है चैनल पे, जिसमें आप एक टैरो सेशन में 5 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो बुक करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इंस्टा पे मुझे फॉलो करके मैसेज कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड कमेंट सेक्शन में गॉड ब्लेस यू ज़रूर लिखना। लव यू ऑल, थैंक यू, बाय बाय। सो ये इनिशियल्स हो सकते हैं कुछ जैसे मैंने आपको बताया। उसके बाद अगर हम बात करें आपके पर्सन के नेचर की, तो यहाँ पे मुझे एक चीज़ ऐसे आपके लिए लगती है कि आपकी शायद ना लव मैरिज हो सकती है, और घर में फैमिली में बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, और घर वाले बोलते हैं कि आप या तो उसे चूज करो या फिर उन्हें मतलब आपको चूज करें। वाओ, घर वाले ऐसा चाहते हैं कि या तो आप उन्हें चूज करें या फिर उस पर्सन को चूज करें। दोनों चीज़ें तो आपको मिल नहीं सकती। उस तरह की सिचुएशन मुझे आपके लिए लग रही है कि कॉन्फ्लिक्ट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, कि घर वाले मानना नहीं चाहते इस रिश्ते को लेकर, और आप घर वालों को भी नहीं छोड़ सकते और उस पर्सन को भी नहीं छोड़ सकते। बट देयर इज़ अ स्ट्रांग चांस, मतलब 95%, 99% चांस है कि आपकी शादी इसी पर्सन से होगी, और क्या बोलते हैं, लव मैरिज होगी, और बहुत ही अच्छी मैरिज रहेगी। एक चीज़ मैं बोलूँ कि अगर आप दोनों में से एक को चूज़ करते भी हो ना, जैसे अगर आप मान लो फैमिली को चूज़ करते हो, एक बार तो आपको चूज़ करना ही पड़ेगा कि आप इस पर्सन से शादी कर लो, और फैमिली को आपको थोड़ा सा छोड़ना पड़े। वो आपके लिए पेनफुल होगा, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो जाएंगी, फैमिली आपको बाद में एक्सेप्ट कर लेगी शादी होने के बाद। और अगर ऐसा होता है कि आप इस पर्सन को ही छोड़ दो और शादी किसी और से कर लेते हो, तो फैमिली बहुत खुश होगी, और आप जिससे शादी करोगे ना नए पर्सन से, उसके साथ भी बहुत ही खुश रहोगे। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम होगी। वो हालांकि कुछ लोगों के लिए तो बिल्कुल, मतलब दोनों ही चांसेस हैं। कुछ लोग जिनको पता है कि वो नहीं छोड़ सकते अपने पर्सन को, वो तो डेफिनेटली अपनी फैमिली को थोड़ा सा छोड़ के शादी कर लेंगे, एंड देन फैमिली मान जाएगी, एक्सेप्ट कर लेगी आपको। लेकिन जो लोग थोड़ा छोड़ सकते नहीं हैं, जो जिनको पता है कि हाँ इस पर्सन के साथ मुझे प्रॉब्लम्स आ रही हैं और प्रॉब्लम होगी आगे भी, वो इस पर्सन को छोड़ के ही किसी और जगह शादी कर लेंगे, एंड वो भी बहुत अच्छा रिलेशनशिप रहेगा आपका, बहुत अच्छी शादी रहेगी। जो भी, अगर मैं बात करूँ आपके फ्यूचर पार्टनर की कि वो कैसे होंगे, तो पहली बात तो आप ही उनमें ज़्यादा गुस्से वाले होंगे। वो बहुत शांत किस्म के पर्सन होंगे, जो भी आपके पर्सन होंगे, आप ज़्यादा गुस्से वाले होंगे, आप थोड़े ज़्यादा बॉसी होंगे, थोड़े डोमिनेटिंग होंगे, वो पर्सन ज़्यादा लीनियंट होंगे, ज़्यादा प्यार से बात करना, केयरिंग, लविंग, चाहे वो मेल हो या फीमेल, कुछ भी हो सामने वाले पर्सन, लेकिन वो ज़्यादा पोलाइट होंगे। फाइनेंशियली बहुत अच्छे होंगे, फैमिली पूरी सपोर्टिव होगी, फैमिली पूरी ही बहुत पोलाइट होगी, बहुत ही स्वीट होगी। आप ज़्यादा मतलब गुस्से वाले होंगे कंपैरिजन में। वैसे भी आपका गुस्सा बहुत तेज़ है, लेकिन आप इतना करते नहीं हो किसी के ऊपर, लेकिन कंपैरिजन में आपका गुस्सा होगा, उनका तो बिल्कुल भी नहीं होगा। वो तो बहुत ही शांत किस्म के पर्सन होंगे जिससे भी आपकी शादी होगी। लेकिन आपको भी गुस्सा कम ही करना चाहिए। गुस्सा इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ फॉर एनी पर्सन, और गुस्से में हमेशा ऐसी बातें होती हैं जो अच्छी नहीं रहती। बात करें आपकी मैरिज की, तो 10 ऑफ कप्स आया है, तो बहुत ही कंप्लीट फील होगा आपको इस शादी के बाद। आपकी लाइफ में वो हर सुख होगा, वो हर खुशी होगी जो शादी के बाद या जिंदगी में एक इंसान को चाहिए होती है जीने के लिए। बीट लाइक, जैसे अगर हम किसी की बात करें कि परफेक्ट मैरिज कैसी होती है, परफेक्ट जिंदगी कैसी होती है, जहाँ पे परिवार में बहुत खुशी हो, सुकून हो, पैसे की जगह पैसा हो, परिवार की जगह परिवार हो, लोगों की जगह लोग हो, एक अच्छी मतलब बॉन्डिंग हो, हेल्दी रिलेशनशिप हो आपस में, ऐसे नहीं ऊपरी दिखावा, एक हेल्दी रिलेशनशिप हो, जॉब बहुत अच्छी हो, घूमना फिरना हो, ऐसा नहीं। देखो कुछ लोगों के पास होता है पैसा बहुत होता है, लेकिन खर्चा नहीं करना उनको समझ में आता। कुछ लोगों के पास होता है कि पैसा ही नहीं होता तो वैसे दुखी रहते हैं। कुछ लोगों के पास सब कुछ होता है, लेकिन कोई प्यार करने वाला नहीं होता। आपकी लाइफ में वो हर चीज़ होगी जो आपको चाहिए, प्यार करने वाला इंसान होगा, प्यारे प्यारे बच्चे होंगे, फैमिली बहुत अच्छी होगी, जॉब होगी, सक्सेस होगी, करियर होगा, एवरीथिंग दैट यू मैनिफेस्ट, एवरीथिंग डू यू एवर वॉन्ट, वो आपको सब कुछ मिलेगी। कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि आपको हर चीज़ मतलब एक चीज़ मिलती है तो दूसरी चीज़ छूट जाती है। ये फीलिंग बिल्कुल सही है, क्योंकि जब आपकी शादी होगी तो आपकी ये वाली फैमिली तो छूट ही जाएगी आपसे, कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही, तभी आपकी शादी होगी, क्योंकि यहाँ पे दिखता है कि आपकी लाइफ से कुछ ना कुछ चला जाएगा।
और ये बहुत पेनफुल भी होगा आपके लिए। उसके बाद आपको ये ज़िंदगी मिलेगी, ये खुशियाँ मिलेंगी, लेकिन वो ही एक आखिरी ऐसी कीमत होगी जो आप देंगे। उसके बाद आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं छूटेगा, सिर्फ आप गेन करते रहोगे, सिर्फ आपकी लाइफ में चीज़ें बढ़ती रहेंगी और खुशियाँ भी बढ़ती रहेंगी। बात करें आपके पार्टनर के लुक्स की, तो वो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम होंगे और ब्यूटीफुल होंगे। अगर लड़कियों की बात करें, मतलब जो इस पाइल को देख रही हैं लड़कियां, या फिर जो पाइल इस पाइल को देख रहे हैं जो लड़के जिनकी शादी किसी लड़की से होंगी, आपकी जो वाइफ होंगी वो ओ माय गॉड बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होने वाली हैं। देखने में उनका लुक्स, उनकी पर्सनालिटी, लोग कहेंगे कोई मॉडल है या एक्ट्रेस है, या इवन एक्ट्रेस और मॉडल से भी ज़्यादा खूबसूरत होंगी वो। बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग पर्सनालिटी होगी। अगर आप खुद लड़कियां और पायल देख रही हैं, तो हो सकता है आप भी बहुत ज़्यादा सुंदर हो। आपके जो पर्सन मिलेंगे वो भी आपके टक्कर के होंगे, लोगों को लगेगा कि मेड फॉर ईच अदर जोड़ी है। और बहुत ही मतलब एक जो आपका पेयर है ना, वो बहुत ही ज़्यादा देखने में एकदम वाओ ऐसा लगेगा, मेड फॉर ईच अदर। कोई कह ही नहीं सकता, अगर आपकी अरेंज मैरिज भी होगी ना, तो कोई कह नहीं सकता कि आपकी अरेंज मैरिज है। आपको देख के ऐसा लगेगा पक्का लव मैरिज ही होगी। दोनों इतने ज़्यादा मतलब एक दूसरे को कंप्लीट करते हुए दिखाई देंगे। और लुक्स की मैं बात करूँ, किलर लुक होने वाला है आपके कपल का, मतलब बहुत ज़्यादा ब्यूटिफुल और हैंडसम पेयर होने वाला है ये। और जितना मैं बता रही हूँ ना, जैसे आपकी जैसे फायर एंड आइस कॉम्बिनेशन होता है ना, उस तरह का रहेगा। आपकी जो पर्सन है ना, वो बहुत ही मतलब शांत, जैसे अगर आप आग हो ना तो वो पानी है, वो आप हमेशा आपको हमेशा शांत करते रहेंगे, आपको शीतलता देते रहेंगे। हालांकि जहां पर उनको जरूरत है पैशन की, स्ट्रेंथ दिखाने की, वहां पर आप उनको पैशन दोगे, आप उनको वो स्ट्रेंथ दोगे, तो दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करेंगे हर चीज़ों में। जो चीज़ें आपके अंदर कमी है वो इंसान पूरा करेगा, जो उस इंसान के अंदर कमियां हैं वो आप पूरे करोगे। आप दोनों का जो रिलेशनशिप है ना, बहुत ही स्ट्रांग होगा, बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग होगी, एक दूसरे साथ जेलअप कर जाओगे बहुत अच्छे से, घूमना फिरना पसंद करोगे, साथ में खाना, आपको छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत अच्छी लगेंगी, जैसे साथ में कोई मूवी देख ली, कोई सीरीज देख ली, या साथ में कुछ खाने का बना लिया, इवन मैगी खा के भी खुश हो जाओगे। आप लोगों का वैसा नेचर हो जाएगा एक दूसरे के साथ, आप एक दूसरे के बिना ना रह भी नहीं पाओगे और रह भी पाओगे। रह नहीं पाने का मतलब तो यही है कि 24 घंटे भी आपको कम लगेंगे एक दूसरे के साथ में, और ना रह पाने का मतलब और रहने पाने का मतलब ये है कि देखो जरूरत पड़ती है तो आप रह भी पाओगे, क्योंकि आप लोग प्रैक्टिकल भी हो, समझदार भी हो, आपको पता है भाई कोई चीज़ ज़रूरी है तो आपको रहना ही पड़ेगा एक दूसरे से दूर भी थोड़ा बहुत। लेकिन आप हर चीज़ में मतलब एक दूसरे के का साथ है ना, वो नहीं छोड़ोगे, चाहे कुछ भी हो सिचुएशन, चाहे आपको दुनिया में कोई कुछ भी कहे, आप कभी भी उस पर्सन के ऊपर ना लैक ऑफ ट्रस्ट नहीं करोगे। और सेम वही पर्सन के अंदर भी वो चीज़ है, वो चाहे कुछ भी हो जाए, वो कभी आपको नहीं छोड़ने वाले, वो आपका साथ नहीं छोड़ने वाले, वो हमेशा आँख बंद करके आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे। आप ना पिछले जन्म से एक दूसरे को जानते हो, ये कोई इस जन्म का कनेक्शन नहीं है, ये बहुत ही पहले का कनेक्शन है, वरना इतना ज़्यादा बॉन्डिंग और इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ एकदम से किसी के साथ आती नहीं है। और कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको फील होती है कि आप इस पर्सन को पहले से जानते हो, या फिर आप इसी कनेक्शन के लिए ही बने हो। एक चीज़ मुझे और लगती है यहाँ पर, कि आप ना अपनी जो कह सकते हैं ना, अपनी जो लाइफ है, अपना जो ब्लिस है, मैरिटल ब्लिस है, या फिर आपकी लाइफ में जो आपको ब्लेसिंग्स जो दिखती है ना, वो आपको दुनिया से दूर दिखती है, सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के साथ दिखती है। मतलब आपको चाहिए कि मैं और मेरा परिवार, उसके अलावा आप दुनिया के बारे में कुछ सोचते नहीं हो, ना दुनिया से कुछ चाहते हो, ना दुनिया को कुछ देना चाहते हो। लोग आपको क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं ये आपके लिए बिल्कुल मैटर नहीं करता है, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं ये आपके लिए बिल्कुल मैटर नहीं करता। आपके लिए सिर्फ ये मैटर करता है कि आपकी फैमिली, आपका पार्टनर आपके बारे में क्या सोचता है। उसके लिए आप अपनी जान भी दे सकते हो, और उस मतलब उसकी खुशी के लिए ज़रूरत पड़ने पे आप अपनी जान भी दे सकते हो। ऐसे नहीं है कि वैसे ही जान दे दोगे, क्योंकि आप अपने आप से भी बहुत प्यार करते हो। सेल्फ लव आपको पता है कि क्या होता है, और सेल्फ लव के इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है आपके लिए। आप अपना भी ध्यान रखना जानते हो, अपनी फैमिली का भी ध्यान रखना जानते हो। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग पर्सनैलिटी है आपकी, और इसी तरह का पार्टनर आपको मिलेगा जो इस स्ट्रांग पर्सनैलिटी में ना ऐड ही करेगा, सब कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं करेगा। वो आपको मतलब ऐसे प्रोटेक्ट करके रखेंगे ना, कि आपको लगेगा कि मतलब इससे ज़्यादा बेटर कनेक्शन हो नहीं सकता मेरे नज़रिए में, जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। आपको जैसा पर्सन चाहिए ना, आपको शायद पता भी नहीं होगा कि आपको इस तरह की क्वालिटी चाहिए सामने वाले पर्सन में, बट सामने वाले पर्सन को पता होगा कि इस सिचुएशन में आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। आपको बाद में रियलाइज़ होगा कि हमें ये चीज़ सही थी, यही चीज़ मुझे चाहिए थी, लेकिन उस पर्सन को पहले पता होगा कि आपको क्या चाहिए। वो पर्सन इतने ज़्यादा आपके लिए डेडिकेटेड होंगे ना, टच वुड, ऐसा रिलेशनशिप बहुत ही कम लोगों को मिलता है।
लेकिन यू डिजर्व दिस रिलेशनशिप, आप भी बहुत अच्छे इंसान हो और आप डिजर्व करते हो इस तरह का रिलेशनशिप, एंड बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि आपके लिए अच्छी मैरिज रहेगी, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। शादी आपकी आफ्टर 25 ही होगी, कुछ लोगों के लिए आफ्टर 30 भी हो सकती है, लेकिन जब भी आपको आपका पार्टनर मिलेगा वो आपका बेस्ट डे होगा, बेस्ट बेस्ट होगा आपकी लाइफ के लिए। आपकी ना शुरू में कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रहेंगी भी नहीं उस पर्सन से, और ये चीज़ आपकी रिलेशनशिप को और ज़्यादा ही मजबूत बनाएगी, क्योंकि आप शुरू में कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखते, लेकिन बाद में जब आप धीरे धीरे उस पर्सन को जानेंगे तो आपको एहसास होगा कि वो कितने परफेक्ट हैं आपके लिए, और आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होगा। मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि आप पेट्स वगैरह या एनिमल्स वगैरह को बहुत पसंद करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, हो सकता है आपके घर में पेट्स हों या पेट्स पालना चाहते हों, हो सकता है कि उस पर्सन के घर में पेट्स वगैरह हों, ये चीज़ हो सकती है, या फिर आप पेट्स का बहुत ध्यान रखते हो, जैसे कि स्ट्रे एनिमल्स होते हैं ना उनको खाना खिलाना वगैरह, या गौशाला में दान देना, या इस तरह से गाय को रोटी खिलाना, कुत्ते को रोटी खिलाना, इस तरह की चीज़ें आप करते रहते हो, ये चीज़ भी हो सकती है। अगर आप नहीं करते ना तो आपको करना चाहिए, आपको खास करके मुझे ऐसा लगता है कि आपको डॉग्स वगैरह को या डॉग्स को कैट्स को या जो गायें वगैरह होती है स्ट्रे एनिमल्स को आपको खाना वाना खिलाना चाहिए, उनको दान दे के आना चाहिए। वैसे तो आप जितनी चैरिटी करो उतना ठीक है, जैसे मंदिर में भी कुछ लोग होते हैं दान दे के आते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको एनिमल्स वगैरह के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए और उनको खाना खिलाना चाहिए। ओके, ये एनिमल की बात करते हुए मुझे ध्यान आया कि मुझे कल रात को एक सपना आया था जिसमें मेरे सपने में दो बहुत ही क्यूट से पपीज थे और वो मेरे पेट्स थे। ओके, और अभी ये रीडिंग करते वक्त मेरे को रियलाइज हुआ सडन। ओके, तो आई गेस मुझे भी लगता है कि मुझे भी कोई पेट्स वगैरह के पास रहना चाहिए, मतलब जाना चाहिए किसी को खाना वाना खिलाने के लिए। पता नहीं, आई एम टेकिंग दिस एज अ साइन, पर चलो जो भी है, यहाँ पर मैं आपको यही बोलना चाहूँगी, छोटे बच्चों के साथ आपकी बहुत ज़्यादा बनती है, हो सकता है आपकी फैमिली में फिलहाल छोटे बच्चे हों जिनके साथ आपकी बहुत ज़्यादा बन रही है, या फिर आपको बच्चे बहुत ज़्यादा ही पसंद है, या फिर जैसे होता है ना आप ना बहुत मासूम हो, अंदर से इनोसेंट हो, तो अपनी उस इनोसेंस को जगाए रखने के लिए ना आप बच्चों के साथ पेट्स के साथ ज़्यादा खेलना या टाइम स्पेंड करना ज़्यादा पसंद करते हो, ताकि वो इनोसेंस जिंदा रहे, क्योंकि अडल्टहुड में आते आते ना लोग बहुत प्रैक्टिकल हो जाते हैं, उनके साथ आपको इतना वो मैच्योरिटी वाली बातें करनी पड़ती है, तो आपको ऐसा लगता है क्या यार दिल की बातें तो शेयर ही नहीं हो रही, तो इसलिए आपको थोड़ा ज़्यादा पसंद है कि आप पेट्स वगैरह के साथ या बच्चों के साथ, छोटे बच्चों के साथ अपना टाइम स्पेंड करो, लेकिन ना जो आपके पार्टनर होंगे आप उससे दिल की बात सारी शेयर कर पाओगे, वो इतने अच्छे होंगे। सो दैट इज़ वेरी स्वीट, गुड लक, गॉड ब्लेस यू। और मैं आपको कहना चाहूँगी, चैनल पे एक ऑफर चल रहा है, अगर उसके लिए आपको बस यही करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, मुझे इंस्टा पे फॉलो करना है, तो आप एक टैरो सेशन में 5 क्वेश्चन पूछ सकते हो, और उसके लिए आपको बुकिंग करने के लिए मुझे इंस्टा पे मैसेज कर देना, मेल कर देना। और एफर्मेशन जो आज की हमें लिखनी है कमेंट सेक्शन में, वो ये लिखनी है कि माई पार्टनर इज़ ब्यूटिफुल, हैंडसम, चार्मिंग, लविंग, केयरिंग, वट एवर यू वॉन्ट टू मैनिफेस्ट अबाउट योर पार्टनर आप वो लिख सकते हैं। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हेलो, पायल नंबर 3, जिन्होंने किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड चूज़ किया था, अगर बात करें कि आपके फ्यूचर पार्टनर कैसे होंगे, तो ओके, आज के पाइल्स में ये ज़रूर हो रहा है कि एयर साइंस वाले लोगों, एयर साइन मतलब ज़्यादा दिख रहा है, और एयर साइन वाले ना मतलब परेशान भी ज़्यादा करेंगे एज अ पार्टनर। चलो जो भी है, यहाँ भी मुझे ऐसी चीज़ लग रही है कि हो सकता है कि शादी के बाद आपका सेपरेशन हो जाए या आपको डिवोर्स लेना पड़े, इस तरह की सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कुछ लोगों के लिए, हालांकि मैंने शुरू में ही बोल दिया, आई एम सॉरी फॉर दैट। बट चलिए शुरुआत करते हैं जोडियक साइन से। तो जोडियक साइन में मुझे एयर साइन, फायर साइन बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ये आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं, हालांकि यहाँ पे वाटर साइन और अर्थ साइन भी हैं, बट एयर और फायर साइन मुझे ज़्यादा लगते हैं आपके पार्टनर के लिए कि वो होंगे। अगर आपके पार्टनर फायर साइन के या एयर साइन के होने हैं तो वो बहुत गुस्से वाले हो सकते हैं, कि हो सकता है वो आपसे अच्छे से बात ना करें या थोड़ा लड़ाई झगड़ा गुस्से वाले ज़्यादा हों, पर एक चीज़ है वो अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके तो बहुत ज़्यादा सतर्क हैं कि हाँ ठीक है मुझे अपनी फैमिली को लेके रिस्पॉन्सिबल रहना है, लेकिन आपके प्रति वो इतना ज़्यादा मतलब एक रूखा सा बिहेवियर रहता है, उनको लगता है कि ना जैसे शुरू शुरू में अगर आपको ज़्यादा अफेक्शन शो करेंगे तो कहीं आप उनके सर पे ना चढ़ जाएं, आप उनको डोमिनेट ना करने लगे, उस पर्सन का ना डोमिनेटिंग नेचर बहुत ज़्यादा होगा जिससे भी आपकी शादी होगी। हो सकता है आप अभी फ़िलहाल इस तरह के रिलेशनशिप में जो पर्सन आपको बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता है। एक चीज़ मुझे और लगती है कि आप ना दुनिया से कटे कटे रहते हैं, दुनिया से अलग होना चाहते हैं, दुनिया मतलब आपको दुनिया में इतना रहना अच्छा नहीं लगता, दुनियादारी आपको इतनी पसंद नहीं है, आपको अच्छा लगता है अकेले रहना, अपने खुद के साथ टाइम स्पेंड करना। हो सकता है शादी के बाद इस तरह के हालात हो, क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने बोला
अच्छा आपके पार्टनर के जो इनिशियल है ना वो KWPCDSRA, ये एच एच ये और ई भी, ये आपके पार्टनर के हो सकते हैं इनिशियल्स हों। और एक और चीज़ मुझे यहाँ पे दिखता है कि जो भी आपके पार्टनर होंगे ना वो देखने में तो चलो ठीक होंगे, ऐसी बात नहीं है, मतलब देखने में एवरेज लुकिंग होंगे, कोई ऐसी इशू नहीं है, लेकिन उनका जो नेचर है ना वो थोड़ा अपने, मतलब इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ कह सकते हैं, अपने में ज़्यादा बिजी रहना, अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा बिजी रहना, आपको टाइम कम देना, अपने काम में बिजी रहना, अपने काम का बहाना रखना कि मेरे को तो बहुत टाइम ही नहीं है, मैं अपनी फैमिली में बिजी रहता हूँ, मैं अपने काम में बिजी रहता हूँ, अपने हो सकता है उनका कोई बिजनेस हो या जॉब हो जिसमें भी है वो ज़्यादा बिजी रहते हैं, मतलब बिजी तो इतने रहेंगे जैसे प्राइम मिनिस्टर हैं, बाकी वो है तो है नहीं ऑब्वियसली, क्योंकि हमें पता है कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो सिंगल है। सो एनीवेज दिस इज अ बैड जोक बट स्टिल इट्स फनी। एनीवेज तो अगर हम बात करें तो आपके पार्टनर की, तो गुस्से वाले होंगे, डोमिनेटिंग नेचर के होंगे, उनका बिहेवियर थोड़ा ज्यादा रूड होगा, मतलब वो यूँ सोचेंगे कि अपनी फैमिली का करें, पैसे कमाने पे ध्यान दें, आपके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, वो सोचेंगे कि आप उनकी सेवा करते रहो, आप उनके आगे पीछे घूमो, जो कि सही नहीं लगेगा आपको, वो आपको इमोशनली अवेलेबल नहीं रहेंगे आपके लिए। एक और चीज मुझे यहाँ पे लगते हो सकता है आपका सेपरेशन ही हो जाए, पहले तो आप बहुत कंफ्यूज रहोगे कि आपको क्या करना है, लेकिन सेपरेशन के बहुत ज्यादा चांसेस दिखते हैं, हो सकता है आप डिवोर्स ही ले लो इस पर्सन से, अकेले रहना प्रेफर ज्यादा करो। एक चीज मैं आपको ये कहूंगी कि अगर आप लाइफ में जॉब करते हो तो जॉब कभी मत छोड़ना, और अगर नहीं करते हो तो अपनी जॉब के बारे में सोचो और अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करो, क्योंकि अगर आपकी लाइफ में कभी भी ये सिचुएशन आती है तो कम से कम आप मूव ऑन तो कर सको, आप अपना ख्याल तो रख सको। यहाँ पर मुझे ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा लगती है। मुझे बच्चे बच्चे के भी इश्यूज दिखते हैं कि पता नहीं शायद तो प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हो, या बच्चे करना ना चाहो, या फिर वो पर्सन ना चाहता हो कि बच्चे हों, या फिर हो सकता है कि जैसे कई लोग होते हैं ना बड़े बदतमीज से होते हैं, लड़की पैदा हो जाती है तो इशू बहुत ज्यादा करते हैं, सेपरेशन में रख देते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, नाटक बहुत होते हैं, ड्रामा होता है। कल कल परसों में मैंने ये बात सुनी थी किसी की, उनके वहां लड़की हो गई थी और वो उस लड़की को छोड़ के चले गए कि भाई तुम खुद ही देखो इसने तो लड़की पैदा कर दी। मतलब आज के टाइम पे ऐसी थिंकिंग, कितने घटिया और बेकार लोग होते हैं मतलब दुनिया में। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको भी वैसा ही कोई पर्सन मिल सकता है। मैं तो यही कहूंगी जब भी आपकी शादी हो तो आप प्लीज पूरा सावधानी से शादी करें, जिस भी पर्सन से करें पूरा सोच समझ के शादी करें, उनका बैकग्राउंड अच्छे से चेक करें, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना ऐसे क्योंकि किसी रिश्तेदारी ने बता दिया, किसी ने ऐसे बता दिया, किसी ने वैसे बता दिया, ऐसे पढ़ के शादी मत करो, जल्दबाजी में बिल्कुल भी मत करो। देखो एक बार की शादी होती है और फिर जिंदगी भर का टैग लग जाता है, चार लेने को तो बंदा डिवोर्स ले ले, सेपरेट होके रह ले, लेकिन जो ये दुख है ये बर्दाश्त करने लायक है क्या? और वो भी खास करके अपनी इंडियन सोसाइटी में, या तमाशे इतने होते हैं, जितना जितनी प्रॉब्लम नहीं है ना उससे ज्यादा तमाशे हो जाते हैं। अगर आपको लगता है कि ये पर्सन ठीक ही नहीं है, आप लेने लग जाओ डिवोर्स, 10 लोग आके कहेंगे क्या डिवोर्स कैसे ले सकते हो, तुम्हें इसके साथ निभाना ही है कुछ, तो बंदा का खुद दिल बंदे का दिल खुद ही नहीं मानता। लेकिन अब अगर सोचो आपको प्यार ही नहीं मिला उस पर्सन से, कभी अफेक्शन ही नहीं मिला, तो आप तो उससे दिल से कभी जुड़े ही नहीं, आप तो अलग रह सकते हो, लेकिन दुनिया आपको 10 तरह की प्रैक्टिकल बात बोलेगी कि ऐसे कैसे छोड़ सकते हो, तुम तो इसके ऊपर डिपेंड हो, फिर बच्चों का क्या होगा, तुम्हें तो टैग लग जाएगा, फिर कोई और अच्छा नहीं मिलेगा। अरे दुनिया में क्या हम सिर्फ यहाँ पे बच्चे पैदा करने के लिए और शादी करके जीने के लिए आए हैं क्या? खुद के लिए नहीं जिए, अपनी खुशियों के लिए नहीं जिए, अपने परिवार के लिए नहीं जिए क्या? सिर्फ उसी पर्सन के लिए जी लिए, या फिर शादी करने के लिए जिए, बच्चे पैदा करने के लिए जिए? पता नहीं क्या ऐसी अजीब सी मेंटालिटी है, और कौन सी पूरी दुनिया खुश है शादी करके या बच्चे करके? तो 10 तरह के लोग आ जाते हैं ऐसे ऐसे बोलने के लिए। तो मैं आपको यही बोलूंगी, यहाँ पर जो आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप यही सोचिए कि आपको एक सिग्नल है, एक साइन मिल रहा है कि आपको अपना ख्याल रखना है, जब भी आपकी शादी हो तो आपको थोड़ा सतर्क रहना है। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो आपको अपने पर्सन के बारे में जानना चाहिए कि वो आपके लिए सही है या नहीं है। ब्लाइंड फेथ बिल्कुल मत करिए, यहाँ पे जैसे ये है ना आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, आंखों पे पट्टी बांध के डिसीजन मत लीजिए, हमेशा कंफ्यूज रहोगे और परेशान रहोगे। अगर आप अब्यूजिव रिलेशनशिप में हो ना तो सामने वाले पर्सन को एक वार्निंग दे दीजिए कि या तो उन्हें अपना बिहेवियर ठीक करना पड़ेगा, नहीं तो आप उनको छोड़ के चले जाओगे, और अगर वो नहीं सुधरते ना तो आप उनको छोड़ के चले जाओ। कोई भी रिलेशनशिप इतना वर्थ नहीं होता कि आप सामने वाले की गालियां सुनो, उसकी मार खाओ, या हमेशा के लिए नेगेटिव इन्फ्लुएंस में रहो। कोई भी रिलेशनशिप इतना मायने नहीं रखता, थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा, थोड़े बहुत क्लेश तो हर घर में होते हैं, नो डाउट। अगर जिंदगी भर का साथ होता है तो कभी ना कभी तो होती है इस तरह की चीजें कि आपकी सोच नहीं मिलती,
लेकिन हर दिन के तमाशे वो कभी नहीं होते, वो नॉर्मल नहीं है, वो नेचुरल नहीं है, तो वो मत होने दो अपने साथ और अपने आप को सेव रखो इस चीज़ से। ये चीज़ ये कह रहा है, ये अगर पायल से अगर आपको कुछ भी लेना है तो इसी चीज़ को लो कि जब भी आपकी शादी हो तो आपको कॉन्फिडेंट रहना है, बोल्ड रहना है, इंडिपेंडेंट रहना है। हमेशा अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में सोचो कि आपको जॉब करनी है, कैसे भी पैसे कमाने हैं ताकि आप अपनी ज़रूरत एटलीस्ट हमेशा पूरी कर पाओ। चाहे आप लड़के हो या लड़की हो, इट डजेंट मैटर, लेकिन खुद के हाथ में इतनी तो इनकम होनी चाहिए ना अपनी कि आप अपने खर्चे तो निकाल पाओ। बाकी दुनिया की छोड़ दो, लेकिन अपना ही बोझ नहीं उठा सकते तो क्या फ़ायदा इंसान होने का। आप दूसरों पे बोझ मत बनो, बल्कि दूसरे की हेल्प कर सकते हो, वो बहुत अच्छी सिचुएशन है, लेकिन अपनी खुद की हेल्प करना जरूर सीखो। ये मैं आपको यही कहूंगी, और सारी जो भी है प्रैक्टिकल हमेशा रहो। फिर उसके बाद जब एक रिश्ते जुड़ जाता है, एक समझ बन जाती है, उसके बाद इमोशन शेयर करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन सिर्फ शुरुआत होती है ना तो रिश्ते में थोड़ा प्रैक्टिकल होना जरूरी है शुरुआत के टाइम पे। मेरा तो यही मानना है कि रिश्ता जुड़ो जब जुड़े तब प्रैक्टिकल होना चाहिए, लेकिन उसके बाद सिर्फ इमोशंस ही होने चाहिए जो उस रिश्ते को आगे बढ़ाएं, उस रिश्ते को निभाएं। एंड यही थी आज की रीडिंग, हो आई होप आपको अच्छी लगी होगी। एक ऑफर चल रहा है चैनल के ऊपर, अगर आप एक टैरो सेशन में आप 5 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसके लिए बस आपको सिर्फ इतना करना है कि इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और उसके बाद आप ये पर्सनल सेशन बुक कर सकते हैं मेरे साथ इफ़ यू रियली वॉन्ट अ पर्सनल रीडिंग। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। एफर्मेशन ज़रूर लिखिएगा चैनल पे कमेंट सेक्शन में जाके कि आपके पार्टनर आप जैसे मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, लाइक माई पार्टनर इज हैंडसम, चार्मिंग, लविंग, केयरिंग, ऑलवेज टुगेदर विद मी, हैप्पी, फाइनेंशियली अबेंडेंट, कुछ भी लिख सकते हैं जैसा आपको अपना पार्टनर चाहिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अगेन, एंड बी बोल्ड एंड बी स्ट्रॉन्ग। गॉड ब्लेस यू।